नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार। दोस्तों, देश में इस वक्त महंगाई कितने चरम स्तर पर है, ये आप सब इससे वाकिफ़ हैं। हर स्तर पर, हर प्रोडक्ट पर जो है महंगाई बढ़ी हुई है। चाहे पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है चरम पर पहुंच गई है। कुछ राज्यों में जो है 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। डीज़ल भी जो है 100 रुपये के करीब जो है पहुंचने वाला है। वहीं अगर हम बात करें LPG गैस सिलेंडर की, तो उसमें भी जो है काफ़ी वृद्धि हुई है उसके रेटों में भी। और जो सरसों का तेल है, यानी जिसे खाने का तेल बोलते हैं, वो 200 से पार हो गया है। 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा जो है उसका रेट हो गया है। जो दैनिक ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो हर प्रोडक्ट में जो है महंगाई आई हुई है। और ये किस सरकार में है? उस सरकार में जो कभी ये कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। तो वो मोदी सरकार आज पेट्रोल, डीजल और खाने की वस्तु, खाने का तेल, सरसों का तेल, वो जो है महंगाई चरम स्तर पर जो है उस सरकार ने पहुंचा दी है। और मोदी सरकार के नेता मंत्री इस महंगाई पर क्या बयान दे रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको हंसी आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा। मैं इस खबर में जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ से एक BJP के विधायक हैं जिनका नाम है बृजमोहन अग्रवाल। वो महंगाई पर क्या बोल रहे हैं? वो महंगाई पर कह रहे हैं कि अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो ऐसा कहने वाले लोग खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना छोड़ दें। इस तरह की बात जो है वो बृजमोहन अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, और पूर्व जो सरकार थी रमन सरकार छत्तीसगढ़ में, उसमें जो है मंत्री भी रह चुके हैं। तो महंगाई को लेकर के BJP नेता के इस बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भी जो है पलटवार किया है। कांग्रेस ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यही पार्टी जो है कभी कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, दो बार मोदी सरकार देश की जनता ने जो है बना दी। लेकिन महंगाई कहां पर है? देश की जनता को जो है कितने अच्छे दिन इस पार्टी ने, इस सरकार ने दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था, बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा है, वो उनका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो मुझे लगता है कि जो लोग इसे आपदा कह रहे हैं वो लोग खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। यानी कि कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया है वो खाना पीना बंद कर दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और इन महोदय को लग रहा है कि इस ऐसा करने से महंगाई कम हो जाएगी। तो आप समझिए, विचार कीजिए। BJP विधायक बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने जो है तुरंत बयान दिया, और उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सुशील शुक्ला कहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य के 43% वोटरों ने कांग्रेस को वोट देकर भाजपा को सत्ता से बेदखल किया था। क्या इसका मतलब ये है कि 2018 में मतदान करने वाले कुल 1,42,90,497 वोटरों में से 61,44,913 लोग खाना पीना छोड़कर अपनी जान दे दें ताकि महंगाई कम हो? तो सुशील शुक्ला सवालिया अंदाज में ये कह रहे हैं कि क्या बृजमोहन अग्रवाल 61-62 लाख लोगों को मरने के लिए कह रहे हैं कि वो खाना पीना छोड़ दें, वो चलना फिरना छोड़ दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना छोड़ दें? क्या मतलब इस उनके बयान का निकाला जाए, क्या मतलब समझा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दिया है? तो ये आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन महंगाई पर जो एक सरकार की चिंता होनी चाहिए थी, पार्टी के नेताओं की चिंता होनी चाहिए थी, जो हाई कमान है उनसे इस बारे में आग्रह किया जाना चाहिए था कि जनता के ऊपर बोझ जो है जिस तरह से महंगाई का बढ़ रहा है उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी ना करके नेता जो है वो उस महंगाई की ही जो है पैरवी कर रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि जिनको ये राष्ट्रीय आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें, वो पेट्रोल डीजल का उपयोग करना छोड़ दें। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो है बयान, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो है
तमाम बेतुके बयान वो अलग अलग मुद्दों पर देते रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान पर, महंगाई पर जो वो बात कह रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।